हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल ए टू जेड पाठशाला पर। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं अहरौरा से चकिया, और यकीन मानिए इस रोड पे बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अहरौरा हूं, और आपको बनारस से कैसे अहरौरा तक आना है इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि NH7 से होते हुए और नारायणपुर एक जगह है, वहाँ से आप कट कर आप आ सकते हैं अहरौरा, और फिर अहरौरा से आप जा सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अहरौरा से। यहाँ से वाराणसी जो है वो 41 किलोमीटर है, और रॉबर्ट्सगंज है 39 किलोमीटर, तो हमें और चकिया है 24 किलोमीटर। तो हमें इस रोड को पकड़ के सीधा चकिया जाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चकिया और आपको दिखलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने आप देख रहे हैं हाईवे, ये हाईवे चला जाएगा आपको छत्तीसगढ़, लेकिन हम लोग को सीधा जाना है चकिया इस हाईवे को क्रॉस करके। और अगर आप बनारस से आएंगे तो इसी हाईवे से होके आएंगे, और फिर यहाँ से आप चकिया जाइएगा। आपको बता दूं कि ये अहरौरा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अहरौरा पार करके अब आ गए हैं चकिया रोड पे, और लगभग यहाँ से चकिया आपको दिखाई होगा कि 20-22 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये रास्ता आप देख ही रहे होंगे, कितना हरा भरा पेड़ पहाड़ पौधे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शिकारगंज आ गए हैं, और बोर्ड आप देख ही रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है चकिया 12 किलोमीटर, मुगलसराय 42 किलोमीटर। तो हम लोग को और अभी 12 किलोमीटर जाना है चकिया जाने के लिए, और इस जगह का नाम है शिकारगंज। अब ये नहीं पता कि यहाँ पे किस चीज़ का शिकार होता था, बस नाम है शिकारगंज। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा नदी है और उस पर ये पुल बना हुआ है।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग चकिया पहुंच गए हैं और यहाँ पे, और मैं चकिया मार्केट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इधर से ही घूम जाऊंगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है चकिया के पास में, जैसे लतीफ़ शाह और मुस्कान लेक, राजदरी, देवदरी, ऐसे बहुत सारे झरने हैं जो चकिया के आसपास पड़ते हैं, तो आप चकिया आकर वहाँ पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा बगल का बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें तथा शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।